हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइज, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और यहाँ पर मैंने निकाह ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है और ग्रीन स्मोकी आई लुक क्रिएट किया। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने ये देखिए एक बड़ा नेकलेस पहन रखा और एक छोटा जो ब्राइडल मेकअप में चलता है, तो उस टाइप का यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी केयर की है। आप लोगों को कैसी लगी ज्वेलरी ज़रूर बताइएगा। ज्वेलरी अच्छी लगी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, इसका टीका और हैवी सा नेकलेस, एयरिंग बहुत ही प्यारी वाली हैं, प्रीटी वाली हैं, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आप लोगों से बातें करते चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, और एक अपने फिंगर के हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी। आप चाह हो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक हाथ में चूड़ी पहनी थी, दूसरे में भूल गई, फिर जब मुझे याद आया तो फिर मैं दूसरे वाले में पहनी। और इसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का कंसीलर, इसको हम अपने आईलिड पे लगा लेंगे अच्छे से। बजट में है, 140 में आपको आराम से मिल जाएगा। इस टाइम थोड़ा सा महंगा हो गया तो 140 तक है इसकी प्राइस। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से। आप चाहो तो ब्रश से या फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 400 के अंदर मेकअप लुक बता रही हूँ, जिसे आप करके ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो जो बजट में है। और इसके बाद हम अपने कंसीलर को सेट करने के लिए ले रहे हैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट, जो बहुत ही आसानी से सभी के पास मिल जाता है। और इसके बाद मैं ले रही विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैंने ट्रांजिशन सेट पिक किया है। अगर आपके पास विल्टन वाइट का नहीं है, जो भी आई पैलेट है उसमें से आप कोई भी ट्रांजिशन सेट पिक कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको लगा लेना है आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लगाना है, आईलिड पे नहीं लगाना है ब्लेंड करते हुए, ठीक है। ये देखिए हल्के हल्के से आपको ब्लेंड कर लेना है। और अपने कंसीलर को सेट करने के लिए आप कोई बेबी पाउडर भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो। और इसके बाद मैं ले रही मोर्फी का हील पैलेट, इसमें से मैं ये रेड वाला सेट पिक कर रही हूँ और ऊपर की साइड में लगाऊंगी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इस तरीके से, ठीक है। हल्के हल्के से आपको ब्लेंड करना है और जब तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरा डिजायर कलर नहीं मिल जाता। आई पैलेट तो आपके पास बहुत सारे पड़े ही होंगे, तो कोई भी आई पैलेट ले लीजिएगा, उसमें से रेड सेट पिक कर लीजिएगा और इस तरीके से ये देखिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का काजल, हाँ खालो, इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का काजल, इसको मैं पूरे ही अपने आईलेट पे लगाऊंगी। आपके पास जो काजल हो आप वो लगा लीजिएगा, लैक्मे का मेरा फेवरेट है इसलिए मैं लैक्मे का ही लगा रही हूँ। तो दोनों ही आई में आपको अच्छे से लगा लेना है, ये देखिए, और एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना। हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना, हल्का हल्का सा आपको बस ब्लेंड करना है अच्छे से। और इसके बाद जब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो सेम जो मैंने मोर्फी वाला पैलेट लिया था उसमें से ब्लैक शेड मैं लूँगी और दोनों ही आई पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये वाला ब्लैक शेड लेना है और आउटर कॉर्नर पे जस्ट आपको लगाना है जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइनर टाइप का लगा लेना है इसी से, ये देखिए। तो जब भी आप आई मेकअप कीजिएगा तो आप कुछ इस तरह का लगा लीजिएगा, टेप वगैरह और आई के लिए भी आता है या आप वो ले लीजिएगा, तो सेलो टेप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं ये दो ग्रीन शेड मिक्स करके अपने आईलिड पे अब लगाऊंगी, एक तो मेरा ग्लिटर है और दूसरा मेरा डार्क ग्रीन है, तो दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फ्लैट ब्रश के हेल्प से अच्छे से, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रही ताकि आप अच्छे से देख सको। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक आएगा इस तरीके से आपका आई मेकअप, बहुत ही प्रिटी वाला लग रहा था यार रियल में। मैं खुद ही तारीफ कर रही थी लेकिन सच बता रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छा आई मेकअप हुआ था। अब ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से स्मोकी आई, ग्रीन स्मोकी आई करके कहीं पार्टी में भी जा सकते हो। तो दोनों ही आई में आपको फ्लैट ब्रश से लगाना है और जब तक मैं लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा जो कलर है डिजायर कलर वो नहीं मिल जाता। फिर मैं ले रही हूँ वही लैक्मे का काजल, तो इसे मैं आजा काजल लगा रही हूँ, जो काजल ही है। तो दोनों ही आई में आपको सबसे पहले काजल अप्लाई करना है इस तरीके से, फिर इसके बाद मैं अपना ये रेड वाला शेड पिक कर रही हूँ और एक पेंसिल ब्रश के हेल्प से हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी। अब ज़्यादा मत लीजिएगा वरना आपकी आँखों में जाने का डर है, तो यहाँ मैं आपको इसीलिए क्लोज करके दिखा देती ताकि आप अच्छे से देख सको। हल्का सा लेके आपको ब्लेंड करना है, फिर हल्का सा लेके ब्लेंड करना है। तो आप दोनों ही आई में देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, ये देखिए। आप चाहो
तो इस तरीके से भी अपने आई मेकअप रख सकते हैं। बट फिर मैं वही ग्रीन वाला दोनों ग्लिटर और ग्रीन शेड लेकर उसी के ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी, जहाँ पे मैंने ब्लैक वाला काजल लगाया था, काजल वहीं पर लगाना है। तो आप डिफरेंट देखिएगा, तो आपको जो आई मेकअप अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये देखिए दोनों में डिफरेंट देख रहे हैं ना आप, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। बट मैं इसी तरीके से लगाऊंगी, और इसके बाद जो हमारा स्टफ ऑल आउट हुआ है उसको मैं कॉटन की हेल्प से निकाल दूंगी। और इसके बाद हम ले रहे लैक्मे का मॉइस्चराइजर, जो बजट में है 150 में आपको आराम से मिल जाता है। तो इसको अपने पूरे फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है इस तरीके से, ये देखिए पूरे ही फेस पे अच्छे से। और इसके बाद मैं लगा रही गुड वाइब्स का फेसियल ऑयल, जो बहुत ही अच्छा है ब्राइडल लुक के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक एक मिनट के बाद सारी चीज़ें आप लगाइएगा ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फेशियल ऑयल लगा लिया, और इसके बाद मैं लगा रही हूँ, दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैं लगा रही ब्लू हेवन का प्राइमर, जो बजट में है, सिलिकॉन बेस में है, सिलिकॉन बेस में है। अब इसके बाद मैं लगा रही मेकअप बेस हाइलाइटर पूरे फेस पे, ताकि हमारे फेस पे थोड़ा सा ग्लो रहे। ब्राइडल मेकअप है, निकाह ब्राइडल मेकअप यार, तो थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई तो होना ही चाहिए ना। तो आपको पता है कि ग्लोसी मेकअप, ग्लोई मेकअप मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा मेरा आई मेकअप हुआ। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। और इसके बाद मैं ले रही सॉरी मेबेलिन फिट मी 230 मेरा फाउंडेशन, जो बेस्ट है, बजट में है, 400 में आपको आराम से मिल जाता है। इससे अच्छा फाउंडेशन आपको 400 में नहीं मिलने वाला है। और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं पूरे स्किन में इसको अच्छे से लगा लूँगी अपने फाउंडेशन को। धीरे धीरे से आपको ब्लेंड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना केकीपन आ सकता है आपके फेस पे। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर ही मैं सजेस्ट करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करिए। ठीक है, अच्छे से आपको ब्लेंड करते हुए लगा लेना है पूरे फेस पे, धीरे धीरे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको ब्लेंड करने में। तो नेक वगैरह पे भी आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है, और आई के पास आपको आराम से लगाना है, क्योंकि हमने आई मेकअप किया तो थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए लगाना है। इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, देखिए कितना अच्छा फाउंडेशन है ना। तो हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है लगभग, और अब हम ये वाला ब्राउन वाला शेड पिक कर रहे हैं। इसमें इसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों ही आईब्रो को आपको फिल कर लेना, हल्के हल्के से, थोड़ा थोड़ा सा ही लेना। अगर इकट्ठे लेंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से लगाइए। और इसके बाद मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, है ना। तो हमारी आईब्रो सेट हो चुकी है, और इसके बाद मैं ले रही कॉन्टोर करने के लिए हमारा कंसीलर। मेरा शेड है 7, मैं इशारे में आपको बता देती हूँ। तो नोज़ पे, चिक पे और फोरहेड पे सभी जगह मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। आज मैं देखिए थोड़ी दूसरी तरीके से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लुक आया था। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से कॉन्टोरिंग करने का। तो आपको फेस पे अपने कॉन्टोरिंग कर लेनी है फेस के हिसाब से, जहाँ आपको लगे कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। तो मुझे यहीं पे लगती है, इसलिए मैं यहीं पे करती हूँ। तो चलिए अब हम इसको एक यहाँ पे फिर मैं कंसीलर लगाऊंगी। रुक जाओ बाबू, अब हम कंसीलर लगा लेते हैं। सेम एन वाइबे का कंसीलर मैंने लिया है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की थी उसके चिक के थोड़ा सा नीचे नोज़ पे लगा लेंगे। सबसे पहले हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्टोर है वो ब्यूटी ब्लेंडर में लगे ना। तो आपको अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से, और इसके बाद फिर आप कॉन्टोर को ब्लेंड करिए, ताकि कंसीलर तो आपका ब्लेंड ही हो चुका है ना, तो आप कोई टेंशन नहीं, आराम से ब्लेंड करिए। तो सबसे पहले हमें अपने नोज़ पे कर लेना है, तो हमारी नोज़ की हो चुकी है, फिर चिक की, और फिर उसके बाद फोरहेड की, सभी जगह की आपको अच्छे से धीरे धीरे से ब्लेंड कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के से आपको ब्लेंड करना है धीरे धीरे से, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट की हेल्प से। यहाँ पर मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट लिया है, जो पता है कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, बट अभी यही है, बजट में भी है। तो फेस को मैं ज़्यादा नहीं सेट कर रही हूँ, सिर्फ आई के नीचे जहाँ पे हमारा ये लगता है कि थोड़ा सा केकीपन आ जाएगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा सेट करती हूँ। और इसके बाद मैं आई पैलेट में से सेम मैंने ब्राउन्जर सेट पिक किया है, जो ब्राउन्जर से मिलता जुलता है, उसी से मैं अपने पूरे फेस को ब्राउन्जर करूँगी। जहाँ पर मैंने कॉन्टोरिंग की थी वहीं पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, जहाँ पर हमने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ वहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैं कर ले रही हूँ। और इसके बाद फिर हम लेंगे स्विस ब्यूटी का पैलेट, नोज़ पे भी कर ले रही हूँ मैं हल्के हल्के से।
तो अब हम ले रहे हैं सीज ब्यूटी का पैलेट। तो ब्लशर के लिए मैं ये शेड लूँगी और जहाँ पे मैंने ब्राउन्जर लगाया है वहीं पे मैं ये ग्लिटर वाला शेड लूँगी, यानी कि ब्लशर में ग्लिटर है, शाइन है, हाइलाइटर पैलेट है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा शाइन आ जाएगी। और अब मैं ले रही हूँ ब्लशर, तो ब्लशर के लिए मैंने ये वाला शेड इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई है ना, हाइलाइटर पैलेट है तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैंने ब्लशर लगाया है चिक पर और इसके बाद मैं नोज पे लगा रही हूँ थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए। और हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला सेट पिक कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने नोज़ पे हाइलाइटिंग करूँगी, ये देखिए हल्के हल्के से हाइलाइटिंग कर लूँगी जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटिंग करती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा यार, बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ था खुद मुँह मीठू बन रही, बट आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारे लगने वाले हो आप। तो मेकअप अच्छा हुआ है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ कुछ लोग बैठ के कमेंट ज़रूर करेंगे, बट मेकअप बहुत ही अच्छा वाला है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हो आप इस लुक को क्रिएट करके। आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो इस तरीके का लुक क्रिएट करके आसानी से जा सकते हो। तो बट ये ब्राइडल मेकअप लुक है, निकाह ब्राइडल मेकअप लुक, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस निकाह ब्राइडल मेकअप लुक है तो बस ब्राइडल के लिए ही है, आप लोग भी पार्टी वगैरह में करके जा सकते हो, बट ज्वेलरी जो आपकी रहेगी थोड़ी लाइट वेट रहेगी बस। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया लिपस्टिक हुडा ब्यूटी की, जो बजट में है, पिंक शेड में है। तो पहले इसको आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जब तक आपका डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता तो इसको मैं 2-3 लेयर लगाऊंगी। और अभी थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी, आप देखते रहिएगा। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। सेकेंड आता है एनवाइवे की लिपस्टिक, और शेड मैंने नहीं देखा था, मैं भूल गई थी तो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो इसके बाद मैं ये वाली एनवाइवे की लिपस्टिक लगा रही इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ये देखिए। तो आप ये वाली लिपस्टिक का भी कलर रख सकते हैं, बट फिर मैं रखूँगी वही वाली हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, फिर मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप तीनों में से जो आपको लिपस्टिक का शेड अच्छा लगा वो आप रख सकते हो, लेकिन मुझे इसी तरीके से करना है। तो इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी, जब तक मुझे जो मेरा डिज़ायर कलर है वो नहीं मिल जाता, जब तक मुझे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे कलर चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब इसके बाद ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने जो ज्वेलरी पहनी है वो मैंने अमेज़ोन से ली थी, बहुत ही बजट में थी, 500 में, बट इस टाइम इसका प्राइस ज़्यादा हो चुका है, कम नहीं हो रहा है। और जो लॉन्ग वाली ज्वेलरी है मैंने लोकल मार्केट से ली थी, पासा जो है वो मेरी दूसरी ब्राइडल ज्वेलरी का है। तो आप कुछ इस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हो। मैंने साइड में थोड़ा सा पफ बनाया है और जूड़ा इस तरीके का बनाया है, कैसा लगा लुक आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।